काली काली आंखें। अगर आपने शाहरुख खान की चाहत मूवी देखी है या फिर बाजीगर देखी है तो इन दोनों का कॉम्बो बनाकर एक सीरीज आई है जिसका नाम है ये काली काली आंखें। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसके टोटल 8 एपिसोड हैं और लगभग 40 मिनट के आसपास हैं। वेल सीरीज देखने के बाद एक बात तो कहनी पड़ेगी, ताहिर राजबाशी ने इसमें क्या मस्त परफॉर्मेंस दी है भाई, मतलब काबिले तारीफ। तो इस सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है यूपी में रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है विक्रांत, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम होता है शिखा। वहीं दूसरी ओर एक मंत्री की बेटी, वो विक्रांत से प्यार करती है पूर्वा और उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहती, और यही सब है इस सीरीज में। शाहरुख खान की चाहत मूवी में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। मतलब कह सकते हैं कि आपको सीरीज के कॉन्सेप्ट में कुछ खास नया तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी सीरीज आपको एंगेजिंग लगेगी। जैसे कि ये शो एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है तो इसकी स्टोरी में आपको छोटे छोटे टर्न्स देखने को मिलेंगे जो सीरीज से जोड़े रखेंगे। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बढ़िया था और लास्ट के कुछ एपिसोड्स में लोकेशन बड़ी कमाल थी जो एक बढ़िया विजुअल बोनस देती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, एक्चुअली प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट में। एक तो ताहिर राज के कैरेक्टर को काफी डम सा दिखाया है जिसे देखकर लगता है ये खुद ही फंसने के काम करता है। स्टोरी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलॉजिकल लगती हैं, जिन्हें देख के लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या था, मतलब कुछ भी। तो कह सकते हैं कि स्टोरी में थोड़े लूप होल्स हैं। और एक और मेन कमी आती है कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशन में, मतलब जो शिखा और विक्रांत का रिलेशन है वो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसको डिटेल में नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। ऐसा फील नहीं हो पाता कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी विक्रांत को इसी लड़की को चूज करना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्वा का कैरेक्टर जो विक्रांत से प्यार करती है और उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है, उसको भी ऊपर ऊपर से बताया है जिससे हम बिल्कुल कनेक्ट तो नहीं हो पाते। बाकी सीरीज की ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बढ़िया है और इन सब के बावजूद सीरीज काफी एंगेजिंग लगती है और ठीक ठाक टाइम पास कराती है। बस कहीं कहीं पे थोड़ा स्लो जरूर फील होगी। सीरीज में कुछ गालियां भी हैं जो इसे फैमिली के साथ ना ही देखे तो बेहतर होगा। बाकी एक ठीक ठाक एंटरटेनमेंट वाली टाइम पास के लिए ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपने देख लिया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है।